बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जापान ने अपना थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर दिया। पहले जापान एम्बेसी की साइट पर जाकर आपको जो है वो अपॉइंटमेंट को अवेल करना पड़ता था, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर दिया। अब आपको जो अपॉइंटमेंट है वो जेरी की साइट पर जाकर अपॉइंटमेंट को बुक करना पड़ेगा। इट्स मीन कि उन्होंने भी अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आउटसोर्स कंपनी को शिफ्ट कर दिया है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले अगर चेकलिस्ट की बात की जाए तो चेकलिस्ट के अंदर सबसे पहले आपको जो है जो पासपोर्ट है वो चाहिए होगा। इसके साथ आपको लाइक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आपने फिलअप करना है, और वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी पिक्चर चाहिए होगी। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ आपने जिस पर्पस के लिए आप जा रहे हैं तो पूरा एक प्लान, ट्रैवल प्लान जिसको बोला जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, और अगर आप कहीं पर सॉरी जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो इंडियन टैक्स रिटर्न FBR या जो कंपनी आपके रजिस्टर्ड है उसके आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए आपकी बैंक स्टेटमेंट की तो लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। ठीक हो गया। और आपने प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से अकाउंट मेंटेनेंस लेटर के साथ ये प्रोवाइड करनी है। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की कॉपीज वगैरह चाहिए होगी, और आपका CNSE की कॉपी चाहिए होगी, और इसी के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सिंपल सी चीज़ें चाहिए होंगी आप अगर आप जापान का टूरिस्ट वीजे को अप्लाई करते हैं। अब रही बात अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट जो है जारी पहले तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करती थी। ठीक हो गया। इसके बिल्कुल पैसे नहीं तय हुआ करते, लेकिन अब उन्होंने जारी की तरफ शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर अब आपको जो है वो फीस पे करनी पड़ेगी। फीस कितनी है कि तकरीबन 9 US डॉलर आपको जो है वो पे करने पड़ेंगे, उसके बाद जो है वो अपॉइंटमेंट आएगी। अब सबसे बड़ा इशू आप लोगों के लिए ये है कि अपॉइंटमेंट्स को हम कैसे अवेल करें। जैसे कि आप सभी को पता है कि जारी की जब भी आपने अपॉइंटमेंट्स वगैरह बुक करनी होती है तो आपको प्रॉपर तरीके से वहां पर टाइम देना पड़ता है। टाइम देने के बाद अपॉइंटमेंट को आप अवेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके आप 2 तरीकेकार हैं। ठीक हो गया। या तो आप खुद प्रॉपर तरीके से वहां पर बैठ कर सिस्टम में इसको रेगुलरली चेक करते रहे, कभी भी अपॉइंटमेंट्स ओपन होगी तो आप बुक कर पाएंगे। अगर वो नहीं है तो फिर आप किसी जिस कंसल्टेंट से आप अपनी फाइल वगैरह प्रिपेयर करवा रहे हैं आप उसकी जिम्मेदारी लगा दें कि वो आपके यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स को अवेल करें। और डेफिनेटली एक तो जो ऑफिशियली चार्जेस हैं वो तो आपको पे करने ही पड़ेंगे, फिर उसके साथ साथ जिसको भी आप हायर करेंगे वो अपना थोड़े बहुत चार्जेस वगैरह लेगा और आपके यहाँ पर इसको बुक करने की पूरी कोशिश करेगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।